घड़ी का काम है सही वक्त बताना। घड़ियां लम्हा लम्हा चलते हुए तारीख दर्ज करती हैं, और जब वो बरसों तक ऐसा करती रहती हैं, तो खुद भी तारीख यानी इतिहास बन जाती हैं। ऐसी ही एक घड़ी स्विट्जरलैंड में मौजूद है, जिसका नाम है ज़िटगलॉग। ये घड़ी स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न की पहचान है। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। ये घड़ी करीब 500 साल पुरानी है। यूनेस्को ने इसे विश्व की धरोहर का दर्जा दिया है। मार्टी वो शख्स हैं जो पिछले 40 सालों से इस दीवार घड़ी की देखभाल कर रहे हैं। वो इस घड़ी के इंजीनियर हैं। आज भी वो हर हफ्ते करीब 3 से 4 मर्तबा सैलानियों के ग्रुप को शहर की शान कही जाने वाली इस घड़ी को अंदर से दिखाने लिए जाते हैं, और बड़े ताव से इसकी बारीकियां और खूबियां उन्हें बताते हैं। लेकिन इस घंटा घर के भीतर खड़े होकर मार्टी की बातें सुनने में दिक्कत होती है, क्योंकि घड़ी की लगातार टिक टॉक खलल डालती है। इस घड़ी को बहुत ही दिलचस्प चीजों के साथ सजाया गया है। हर एक घंटे में इस घड़ी में मुर्गे आकर बांग देने लगते हैं। जैसे जैसे घड़ी का पेंडुलम झूलता है, उस पर बनाई गई मूर्तियां भी घूमती रहती हैं, जिन्हें क्रोनोस कहा जाता है। इन मूर्तियों पर सोने के पत्थर चढ़े हैं। ये घड़ी कोई मामूली दीवार घड़ी नहीं है, बल्कि ये वो घड़ी है जिसे देखते हुए महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन को अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ख्याल आया था। ये बात सन 1905 की है। एक शाम आइंस्टाइन ने इस घड़ी की आवाज सुनी और सोचने लगे कि अगर कोई ट्राम रोशनी की रफ्तार से इस घड़ी से दूर भागे तो क्या होगा। सब रोशनी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि ट्राम पलक झपटते ही बहुत दूर चली जाएगी, लेकिन उसके मुकाबले घड़ी की टिक टॉक की रफ्तार धीमी रहती है, तो चलती हुई घड़ी भी ट्राम की रफ्तार के आगे रुकी हुई नजर आएगी। इसी घड़ी को देखते हुए आए ख्याल ने आइंस्टाइन को एक नई राहत दिखा दी, और उन्होंने 6 हफ्तों बाद ही एक नई थ्योरी के साथ अपना रिसर्च पेपर लिख डाला। इस पेपर का नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बाद में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा के संबंध को बताते हुए समझाने की कोशिश की कि अंतरिक्ष में ग्रह और खगोलीय पिंड एक दूसरे के नजदीक कैसे आते हैं और पूरा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। तो जब आप स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न आए तो इस ऐतिहासिक घड़ी को देखना ना भूलें। यहाँ एक म्यूजियम भी है जहाँ भौतिक विज्ञान की थ्योरी को वीडियो के जरिए समझाया जाता है। स्कूली बच्चे यहाँ आकर भौतिक विज्ञान की मोटा मोटी समझ तो हासिल कर ही सकते हैं। वीडियो में आइंस्टाइन का एक कार्टून आता है जो अपनी थ्योरी को बहुत ही आसान तरीके से समझाता है। हैरान रह जाते हैं लोग इस घड़ी के काम करने के तरीके पर। जितनी हैरानी यहाँ आने वाले सैलानियों को होती है, उतनी ही हैरानी मार्टी को भी होती है, जबकि मार्टी साइंस और तर्क की बात करने वाले इंसान हैं। कभी कभी उन्हें भी हैरानी होती है कि आखिर ये घड़ी खुद ही कभी तेज और कभी धीमे कैसे चलती है। मार्टी घड़ी को रोककर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे रिपेयर के लिए इस घड़ी को रोक दिया जाता है, फिर ठीक हो जाने के बाद दोबारा उस वक्त के मुताबिक सेट कर दिया जाता है। बर्न शहर के लोग पिछले 500 सालों से इस घड़ी की टिक टॉक सुनते आ रहे हैं। इतने सालों में उन्हें एक ही सबक मिला है कि समय कभी रुकता नहीं है, लिहाजा आप भी समय की रफ्तार के साथ आगे बढ़ते जाइए और जिंदगी का लुत्फ उठाइए। इसी कीमती वक्त में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर बर्न भी घूम आइए। शायद आइंस्टाइन की तरह से ही आपको भी ये घड़ी देखकर कोई बड़ा ख्याल आ जाए।